अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको एक वाइट कलर में लॉन का एक फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन पहले मैं बच्चों में बना चुकी हूँ, अब मैं बड़े साइज़ में ये तैयार किया है मैंने आज। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पे गोटे की लाइनें भी लगाई हैं और काफ़ी ख़ूबसूरत ये फ्रॉक लग रहा है। इसके नीचे हम चाहें तो प्लाज़ो या इस तरह की ट्यूलिप शलवार भी बना सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल सिंपल फैब्रिक पर मैंने इसमें थोड़ा सा गोटा वर्क करने के बाद इसको थोड़ा सा फैंसी बना दिया है। वाइट कलर की ये ब्रांडेड लॉन है और इस पर मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पहले मैंने 7 से 8 साल की बच्ची का ये डिज़ाइन पहले मैं बना चुकी हूँ, अब ये मैं फुल साइज़ में बना रही हूँ। इस तरह की फ्रॉक तैयार करने के लिए हमारे पास तकरीबन 3.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए। और फ्रंट ओपन है, ये बटन लगाए हैं मैंने। और ये फैब्रिक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम दरमियान के सेंटर के तीरे तैयार करेंगे, जो सेंटर पीस होता है जिसमें हम नेक कटिंग करते हैं। पहले सबसे पहले हम उस चीज़ को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, ये मैं शॉर्ट लेंथ में बना रही हूँ। तकरीबन ये 31-32 इंच का मैं तैयार करूँगी, तो मैं इसको तकरीबन ये 32-33 इंच, हम जितना लेना चाहें, मैं 32 इंच ले रही हूँ। ये 31 इंच यानी 31 इंचज़ का ये मेरा तैयार टॉप होगी। फ्रॉक स्टाइल में ये टॉप है, ये मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब मैं इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ मैं आपको। ये ऊपर से कम होगा नहीं, लेकिन नीचे से मैं इसको ज़्यादा ले रही हूँ। 15 इंच नीचे से लूँगी मैं। नीचे से चौड़ाई 15 इंच होगी और ऊपर से 9 इंच, यानी जितना हमारा नेक साइज़ होगा, नेक से हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। अब ये तीरों की मैंने 2 लेंथ ले ली हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, 15-15 इंच चौड़ाई के और 32 इंचज़ लेंथ में मैंने ये 2 तीरे निकाल लिए। अब ऊपर से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 4.5 इंच, यानी कि ये पूरा टोटल जो होगा ये 9 इंच होगा। और नीचे से ये ऊपर से 9 इंच है तो नीचे से ये 15 इंच, ऊपर से अगर हाफ ये 4.5 इंच है तो नीचे से ये 7.5 इंच होगा। अब जहाँ तक हमें वेस्ट साइज़ रखना है, 14 इंच तक मैं इसको लूँगी। 15 इंच तक वेस्ट साइज़ होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट वेस्ट में ले रही हूँ, तो 14 इंच तक लिया है मैंने इसको। और उसके बाद वेस्ट के बाद हम बाकी जो है वो तिरछी कटिंग लेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल नीचे कॉर्नर तक नहीं लिया, कॉर्नर से हटा के लिया है, क्योंकि थोड़ी सी नीचे से भी तिरछी कटिंग होती है। जब हम रेप वाली कटिंग करते हैं तो हम उसी हिसाब से नीचे से भी थोड़ा सा हमें कम करना होता है। अब आप ये देखें, सेंटर पीस हैं, तीरे हैं जिनको मैंने कटिंग कर लिया है। ये ऊपर से 9 इंच और नीचे से 15 इंच चौड़ाई में है। अब ये साइड के जो हमारा योक के पीस जो बाकी बच गए हैं, उसको हम इस तरह से इसकी लेंथ ले लेंगे। 14 इंच लंबाई में मैंने 2 पीस ले लिए हैं। ये हमारे 4 पीस तैयार होंगे, 2 फ्रंट के लिए, 2 बैक के लिए, यानी कि एक दाएं और एक बाएं की तरफ ये हमारे 4 पीस लगेंगे। हमें 4 पीस तैयार करने हैं। मैंने 1-1 इंच बढ़ा कर, देखें आप ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखा हुआ है, ये हल्का हल्का निशान नज़र आ रहा है, 7.5 इसका। अब हम शोल्डर कट कर रहे हैं और 7.5 ही इसकी लेंथ है आर्म होल की। अब देखिए, ये मैंने पीस जो रखे हुए हैं, तो ये मैंने 1 इंच बढ़ा कर रखे हैं। आप थोड़ा गौर से देखें तो नीचे शेड इसका नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ। अब इसका बस्ट साइज ले लेते हैं 10 इंच। पहले मैं स्ट्रेट लगाऊंगी, स्ट्रेट लाइन लूँगी, और उसके बाद फिटिंग के लिए हल्की सी हम तिरछी लाइन ले सकते हैं। ये हमारे योक के साइड के हिस्से तैयार हैं। अब नीचे घेर जो है वो हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे इस तरह से। ये अलग अलग मैं लूँगी, जैसे कि मैंने बताया, ये ऊपर के पीसीज जो हैं ये 4 हैं, 2 तीरे हैं
और ये जो नीचे घेर के पीस हैं ये मैं दो बनाऊंगी, एक दाएं तरफ के लिए एक बाएं तरफ के लिए। जब हमने पहले वेस्ट के हिसाब से जितनी हमारी ऊपर के साइड जो पैनल हैं जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी ही चौड़ाई हमने इसकी रखनी है, और ऐसा कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है कि दोनों तरफ से ये बिल्कुल बैलेंस रहे। अब रखने के बाद अब हम इसकी बाकी की लेंथ लेंगे, जितनी ये बची हुई हमारी लेंथ है 1 इंच उससे इजाफी हम लेंगे सिलाई के लिए, और इस पर हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसकी गोलाई बनानी शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि ये डिज़ाइन मैं 7 से 8 साल की बच्ची की का बनाकर पहले दिखा चुकी हूँ, अब बड़ों में बनाकर दिखा रही हूँ। अब हम इसको बैलेंस करके इसी तरह निशान लगाते जाएंगे, हर तरफ से इसका साइज़ एक जितना होना चाहिए। जो मैंने कट का निशान लगाया है उसी निशान पर मैं इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, यानी हर तरफ से हमारा साइज़ जो है वो एक जितना होना चाहिए। यह हमारा अम्ब्रेला एक पैनल हमारा कट गया है एक साइड का। ये इस तरह के हमें दो चाहिए होंगे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और इसका आधा हिस्सा फ्रंट की साइड पर आएगा और आधा बैक पर जाएगा। ये देखें जिस तरह से मैंने इसको बिछाया हुआ है, इसकी साइड की सिलाई नहीं होगी और ये रेब वाला हिस्सा साइड में जाएगा। और योक में भी हमें इस तरह से कुछ वी शेप में तिरछी कटिंग करनी है, जैसे इसकी हमारे नीचे के हिस्से की कटिंग है उसके मुताबिक थोड़ी सी हमें हल्की सी कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से ये हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट तकरीबन हो गई है। अब जो हमारे तीरे हैं इनकी नेक कटिंग करनी है हमें। तीन अशारिया पाँच इसकी चौड़ाई लूँगी मैं, और तकरीबन 1.25 इंच गहराई फ्रंट बैक के लिए। और फ्रंट को हम यही करते हैं कि सी को हम थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। अब 2 इंच मज़ीद और गहराई ले रही हूँ, तकरीबन ये 3.5 इंच गहराई रहेगी इसकी। ये जो नेक मैं बना रही हूँ ये चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है लेकिन गहराई में कम है। यंग गर्ल्स के लिए जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो उनकी नेक की बहुत ज़्यादा गहराई नहीं रखते हैं। ये चूँकि फ्रंट ओपन है, तीरा एक एक तीरा तो ऐसे ही होगा लेकिन एक तीरा जो हमारा फ्रंट का है वो फ्रंट ओपन होगा, इसलिए इसमें दो पट्टियाँ लगेंगी। अब आप देखें मैंने दो इसी साइज़ की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, एक चौड़ी है एक पतली है। जो ऊपर आएगी वो चौड़ी पट्टी है, ऊपर की पट्टी ये 3 इंच चौड़ाई की है और नीचे की ये 1.5 इंच। पतली पट्टी नीचे की साइड पर आएगी और चौड़ी पट्टी ऊपर की साइड पे। ये बाजू का कपड़ा मैंने ले लिया है जिसकी आप लंबाई देख सकते हैं 23 इंच और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। 3 इंच पर इसका आर्म होल कट करेंगे और इसमें सिंपल स्लीव बना रही हूँ, और इस पर मैंने कुछ गोटे की लाइनें लगानी है। फिटिंग में हम जितना चाहे फिटिंग रखना चाहें उतना हम रख सकते हैं। अब इसकी सिलाई दिखाती हूँ। सबसे पहले तीरे पर मैं जो पतली वाली पट्टी है वो अटैच करके दिखा रही हूँ। ये हिस्सा जो है हमारा नीचे की पट्टी का बनाया जा रहा है। ऊपर वाली पट्टी में मैं पेपर बुकरम लगाऊंगी और वो तकरीबन 1 इंच तक चौड़ाई की होगी। वो पट्टी 1 इंच से थोड़ी सी कम हम रख सकते हैं। अभी दूसरी पट्टी है, ये जो 3 इंच वाली पट्टी थी इसमें मैंने 2 इंच का ये पेपर बुकरम लिया है और उसको बाकी फालतू कपड़े को मैंने अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड किया है। और इस तरह से ये पट्टी हमें दूसरी साइड जो पेपर बुकरम की मैंने बनाई है इसको लगाकर दिखा रही हूँ। अब उल्टी साइड पर लगाकर हम सीधी साइड इसको पलट देंगे
और इस तरह जब हम पेपर बुकरम की पट्टी लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि नीचे के कपड़ों को हम थोड़ा थोड़ा खींच कर रखते हैं, वरना अक्सर ये हमारी पट्टी जो है बड़ी हो जाती है और उसमें झोल आता है। झोल से बचने के लिए आप ये देखें, मैं नीचे की तरफ से इसको पकड़ कर खींच के रखे हुए हूँ ताकि मेरी पट्टी जो है ऊपर की पूरी आए। ये हमारे पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, बटन पट्टी दोनों तीरों के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं तीरे नीचे से चौड़ाई में हैं और ऊपर से कम है। अब सबसे पहले हम ये जो साइड पैनल हैं इनकी साइड फिटिंग करेंगे, जबकि ये आम तौर पर हम कुर्तीज़ में ये साइड फिटिंग सबसे एंड में करते हैं, लेकिन इस डिज़ाइन में हम सबसे पहले ही इसकी साइड फिटिंग करते हैं। अब ये जो है पैनल एक फ्रंट और एक बैक का है, इसी तरह ये घेर जो है इसके साथ अटैच होगा, वो भी हाफ फ्रंट पर और हाफ बैक पर जाएगा। अब इस तरह ये साइड पैनल जो है हमारा, इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी ऊपर वाले शॉर्ट पैनल जब हम घेर के साथ जोड़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका हाफ पोर्शन जो है फ्रंट साइड पर और हाफ जो है वो बैक साइड पर जाएगा जोड़ने के बाद। ये देखें, ये इस तरह से तैयार है। जब मैं इसको डबल कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी साइड की फिटिंग हो गई है और ये बगैर जोड़ का हिस्सा जो है ये साइड में आएगा और ये खुले हुए हिस्से जो हैं ये तीरे के साथ अटैच होंगे। अब मैं ये दोनों मैंने तीरे इस तरह से पैनल तैयार कर लिए हैं। अब तीरे के साथ मैं ये आपको जोड़कर एक पैनल दिखा रही हूँ। दोनों पैनल इसी तरह जोड़ेंगे, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। ये बैक तीरे के साथ मैं जोड़कर दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, बैक तीरा जो है वो बगैर जोड़ का है और फ्रंट तीरे पर मैंने बटन पट्टी चूँकि बनाई है तो उसके दो हिस्से किए थे। ये ऊपर सिलाई से मैं डायरेक्ट इसको लगा रही हूँ। चाहे अगर हमें अच्छा लगता है हम जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, और अगर इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी कराना चाहें वो भी करवा सकते हैं, कोई और लेस शटल लेस भी लगा सकते हैं, या हम कोई इसमें समोसा लेस भी लगा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब आप ये देखिए, मैंने दोनों साइड पैनल जोड़ लिए हैं। ये एक जोड़ कर मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा मैंने अलग से जोड़ लिया। अब ये देखें, इन पैनल्स के जो हाफ पोर्शन जो बचे हुए हैं वो फ्रंट साइड पर जुड़ेंगे। ये फ्रंट साइड के दो तीरे हैं, एक दाएं तरफ का और एक बाएं तरफ का। अब इनको भी इसी तरह रखकर हम सिलाई करेंगे। ये एक तीरा दाएं तरफ और एक हमारा बाएं तरफ जुड़ेगा, और इस तरह से इसमें साइड फिटिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें। ये ऑलरेडी हमारी साइड फिटिंग है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था योक में सिर्फ साइड फिटिंग हुई थी। घेर क्योंकि ये बिल्कुल अम्ब्रेला घेर है इसलिए इसमें साइड फिटिंग नहीं होगी। ये दूसरी साइड का तीरा मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये हमारा जो पैटर्न जो है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तीरे और पैनल्स तमाम के तमाम जुड़ जाएंगे। इसकी बाकी की कटिंग जो है वो कटिंग स्टिचिंग वो बिल्कुल इजी है आम कुर्तीज़ की तरह। इसमें सिंपल नेक मैंने बनानी है पट्टी लगाकर, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये मैंने पैनल तमाम जोड़कर आपको दिखा दिए। अब हम इसको डायरेक्ट शोल्डर को इस तरह से जोड़ लेंगे। बैक साइड पर फ्रंट साइड का शोल्डर हम इस तरह से अटैच कर देंगे और बाकी इस तरह से इसकी कटिंग जो है वो कटिंग स्टिचिंग तकरीबन कंप्लीट है। इसमें सिंपल बाजू लगेंगे बिल्कुल, और मैंने पैनल पर गोटे की लाइनें लगाई हैं और इसी तरह मैंने बाजू में भी गोटे की लाइनें लगाई हैं। थोड़ा सा इसको फैंसी बनाने के लिए चाहें तो हम मल्टी कलर की गोटे की लाइनें भी लगा सकते हैं, इसको मज़ीद और फैंसी बनाना चाहते हैं तो। इसके साथ हमारी मर्ज़ी है, एक कलर का दुपट्टा लें या हम मल्टी कलर में भी ले सकते हैं, कोई फैंसी दुपट्टा भी ले सकते हैं इसके साथ। ये देखें, ये बाजू पर भी मैंने इसी तरह से गोटे की लाइनें लगा ली हैं। सीक्वेंस में दो पहले लगातार लगाई हैं, उसके बाद डेढ़ डेढ़ इंच के फासले पर फिर इनका फासला बढ़ाते बढ़ाते ऊपर ज़्यादा कर दिया है। इस तरह से ये बाजू भी हमारे काफ़ी फैंसी तैयार हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको मज़ीद और फैंसी बनाना चाहें तो उसमें मज़ीद मल्टी कलर की चीज़ें भी आप लगा सकते हैं।
अब ये बाजू सिर्फ लगाने हैं, और ये देखें मैंने गोटे की लाइनें पैनल पर भी दो लगा दी हैं, और यूँ ये हमारी कुर्ती तकरीबन कंप्लीट है। नीचे का घेर करके और नेक बनाकर मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सिर्फ इसमें बाजू जोड़ने, और आप ये देखें ये इसकी साइड है और ये शोल्डर हैं। इसमें आर्म होल के अंदर मैंने सिंपल स्लीव जोड़ने हैं जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं तैयार, ये शॉर्ट लेंथ में मैंने ये एक फ्रॉक स्टाइल में टॉप तैयार की है। तकरीबन 31 इंचज़ लेंथ में है ये शॉर्ट में। इसके नीचे हमारी मर्ज़ी है, हम प्लाज़ो बनाना चाहें या ट्यूलिप शलवार बनाना चाहें, जो भी हमें पसंद हो वो हम बना सकते हैं। नीचे हम कलरफुल प्रिंटेड शलवार भी बना सकते हैं और प्लेन भी बना सकते हैं। ये अब हमारी अपनी चॉइस है, जो अच्छा लगता है हमें वो हम वही चीज़ तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। ये बड़ी लेंथ में मैंने बनाया है, गर्ल्स का साइज़ है, ख़वातीन भी पहन सकती हैं। ये फ्री स्टाइल होती हैं, नॉर्मल साइज़ की ख़वातीन भी पहन सकती हैं और ये गर्ल्स पहन सकती हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, चाहें तो आप बना सकती हैं बड़ों में भी।